गुड आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप जानते ही हैं कि आपकी परेशानियाँ जो है वो धीरे धीरे करके खत्म होगी, लेकिन खत्म करने के लिए पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। पहला कदम ये है कि आप अपना कीमती समय गॉसिप में, किसी के यहाँ क्या हो रहा है ये सब वेस्ट ना कर अपनी जिंदगी को सुधारने का प्रयत्न करें। अपनी फैमिली और अपने बारे में सोचें, अपनी खुशियों के बारे में सोचें। इसीलिए तो हम ये शो आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। चलिए अब इसी ट्रस्ट के साथ कि आप शो देखेंगे और इन उपायों को कर अपनी लाइफ को बेहतर करेंगे, मैं आपकी शुरुआत कराती हूँ हेडलाइंस के साथ। कर्ज से मुक्ति दिलाने वाले, शादी कराने वाले और बीमारी ठीक कराने वाले तीन महा उपाय। मंगलवार के दिन बजरंग बली को कीजिए प्रसन्न, हर बिगड़ा काम बनेगा। अगर आपके गिरते बाल और हिचकी आपको तंग करते हैं तो अब इन दोनों को ठीक करने का उपाय मेरे पास है। राशि के हिसाब से जानिए कल का लकी टिप क्या है और कल का लकी टाइम क्या है। आपको खूबसूरत बनाने वाले ब्यूटी टिप्स। आज मंगलवार है तो शुरुआत जो है हम बजरंग बली से करेंगे, जो आपकी कौन कौन सी परेशानियों को छुमंतर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले दो महा उपाय जानते हैं और तीसरा महा उपाय तो अब आपको पता ही है कि मैं शो के एंड में देती हूँ। पहला महा उपाय जो है वो है कर्जे की मुक्ति के लिए। आप 5 गुलाब के फूल, थोड़े से चावल, गुड़, सफेद कपड़े में बांधें, 21 बार गायत्री मंत्र का जाप करें, इसे बहते पानी में बहा दें, लगातार 16 सोमवार करें। मिनिमम 7 तो आपको करना ही है, पर 16 करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, आपको कर्जों से मुक्ति का रास्ता मिल जाएगा। दूसरा महा उपाय है शादी में आ रही मुश्किलों को दूर करने का। गुरुवार की शाम को 5 तरह की कोई भी मिठाई, 5 अलग अलग तरीके की मिठाई, 2 हरी इलायची घी के दीप के साथ मंदिर में जाकर जलाकर अर्पित करें। ऐसा 3 गुरुवार करेंगे तो चमत्कार होगा, शादी की बाधाएं दूर होंगी। फेंग शुई कैसे आपकी जिंदगी में कमाल कर सकता है आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी। और जानते हैं आपको कल क्या बताऊंगी, आंख के कलर के बारे में। जी हाँ, कल बताऊंगी और अभी थोड़ी ही देर में आपको और भी फेंग शुई की जानकारी दूंगी जैसे आपको बताया। लेकिन उससे पहले बजरंग बली की बात करते हैं। कौन सा फल, कौन सा फूल आपको बजरंग बली को चढ़ाना चाहिए ताकि वो प्रसन्न हो, ये जानते हैं। बजरंग बली को लाल या पीले रंग के फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इन फूलों की में अगर आप गुड़हल बजरंग बली को चढ़ाना चाहिए ताकि वो प्रसन्न हो, ये जानते हैं। बजरंग बली को लाल या पीले रंग के फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं। इन फूलों की में अगर आप गुड़हल, गुलाब, कमल, गेंदा, इनका अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। हनुमान जी को इन फूलों को अगर आप लगातार केसर, थोड़ा सा पिसा हुआ लाल चंदन से तिलक लगाकर करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं वो पूरी कर देते हैं और जल्दी ही आपको ढेर सारी खुशियां देते हैं। 4 राशियों के बारे में आपको जल्दी बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले फेंग शुई के वो टिप जानते हैं जिससे पैसा आकर्षित होता है। आप एक काम करें, एक रेड कलर का लिफाफा, लाल रंग का एनवलप ले लें, वो होता है ना जिसमें आप सगन डाल के देते हैं, उसमें 1000 का एक नोट डाल दीजिए। इस लिफाफे को आप चावल के मर्तबान यानी कि जिस डिब्बे में चावल होता है उसमें डाल दीजिए और देखिए कि आपके यहाँ कैसे बरकत होती है। और एक काम करें, आपके घर में जो तिजोरी रखने का लॉकर है उसके अंदर 6x6 के 2 शीशे फेंग शुई मिरर्स, ऑक्टेगन शेप के होते हैं, बाजार में आराम से मिलते हैं, 8 कोनों वाले, ये एक दूसरे के सामने लगा दीजिए, आपके यहाँ पैसा बढ़ने लगेगा। घर के साउथ ईस्ट में ग्रीनरी का पिक्चर लगाएं, आपके यहाँ लिक्विड कैश की दिक्कत नहीं रहेगी। डार्क सर्कल्स की बहुत ज्यादा मेल्स आती हैं लोगों को, अंडर आई डार्क सर्कल्स हैं, ये बहुत परेशानी देते हैं। ये डार्क सर्कल्स दूर करने के लिए आज मैं खास ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ, लेकिन पहले 4 राशियों की बात करते हैं। मेष राशि वालों को माथे पर चंदन का टीका लगाकर काम पे जाना है, दिन बहुत लकी रहेगा, लकी टाइम कल 2:19। वृष राशि वालों को हाथ में चांदी की कोई रिंग या चांदी का कोई कड़ा पहन के जाना है, ये नहीं है तो राइट जेब में चांदी का कोई सिक्का, टुकड़ा, ज्वेलरी डाल लीजिए। आप शाम को आज 4:58 पर जो भी काम शुरू करेंगे वो जरूर सक्सेसफुल होगा। मिथुन राशि वाले किसी को जिसकी आईज नहीं है, ब्लाइंड लोगों की मदद करें कल, ये पॉसिबल नहीं है तो किसी जरूरतमंद को आई ड्रॉप्स दे दें दान में, आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा और आपका लकी समय रहेगा आज शाम 5:05।
कर्क राशि वाले लोग क्या करें, कल किसी तरह की फाइनेंसेस में या इन्वेस्टमेंट में नहीं फंसेगा। घर से सुबह ठंडा दूध चाहे एक सिप हो पी कर निकलिएगा। आपका लकी समय रहेगा आज शाम 5:52। लोगों को बाल गिरने से इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उनका स्ट्रेस और ज्यादा डबल हो जाता है। कई बार पानी की कंडीशंस ठीक नहीं है, पोल्यूशन है, जो भी रीजन है, लेकिन आजकल बाल झड़ना एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर बन गया है। इस स्ट्रेस फैक्टर को थोड़ा दूर करते हैं और साथ में हिचकी की अगर आपको बार बार प्रॉब्लम है तो इसको भी दूर करते हैं। लेकिन उससे पहले डार्क सर्कल्स दूर करने वाली ब्यूटी टिप्स। आंख के नीचे अगर काले घेरे हैं तो क्या करें? आलू और खीरे के छिलके पीसकर आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पर लगाते हैं। 15-20 मिनट के लिए ऐसे लेट जाते हैं लगाकर और फिर अपनी आंखों को धो लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आपकी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स कम होने लगेंगे और आपको खुद हैरानी होगी कि कैसे वो आपके गालों के नेचुरल कलर्स लेने लग गए हैं। और एक काम कर सकते हैं, गाजर और चुकंदर के छिलके पीसकर लिप्स और गालों पर अगर आप रब करते हैं तो ये नेचुरली ब्लश ऑन का काम करता है। इसको कलर जब ये सूख जाए तो उसको साफ पानी से पोंछ लीजिए, आपके लिप्स और गालों का रंग बिखरेगा भी और उस समय भी पिंकिश हो जाएगा। मैंने सोचा कि साथ ही मैं आपको बालों की भी इन्फॉर्मेशन अभी दे देती हूँ। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो 1 चम्मच मेथी दाने का पेस्ट बनाएं, 2 चम्मच कोकोनट मिल्क यानी कि नारियल का दूध उसमें ऐड करें, बालों में लगाएं, आधे घंटे बाद बाल धोकर शैम्पू कर लें। आपके बाल धीरे धीरे बिल्कुल उनका हेयर फॉल बंद हो जाएगा, उनमें स्ट्रेंथ आएगी और वो खूबसूरत शाइनी हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको हिचकी अगर बार बार आती है तो इसको रोकने का बहुत आसान उपाय है, 2 लौंग लें और थोड़ी देर मुंह में चबाएं, हिचकी रुक जाएगी। वेस्ट डायरेक्शन की ओर मुंह करके उसको स्पिट कर दें, छोड़ दें, घर के अंदर या बाहर जहां पे भी वेस्ट डायरेक्शन हो। ये प्रॉब्लम भी आपको बार बार तंग नहीं करेगी। आज मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई आपके बालों के लिए, आपके डार्क सर्कल्स के लिए। कल मैं आपको नेचुरल रेमेडी बताऊंगी दांत दर्द के लिए। जी हाँ, और अभी थोड़ी ही देर में मैं आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और दूंगी जो आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। लेकिन उससे पहले कुछ पैकेजिंग के कलर्स की बात करते हैं। आपको अपना कोई भी सामान बेचना है तो अगर उसकी पैकिंग आप रेड कलर में करते हैं तो कस्टमर अट्रैक्ट होगा। अगर आप उसको डार्क रेड कलर में पैक करते हैं तो प्रोफेशनल और लग्जूरियस आइटम की लुक देगा। यानी कि अगर आपको कोई चीज महंगी बेचनी है तो उसे बिल्कुल डीप रेड मरूनिश टोन में पैक करते हैं, ज्यादा महंगी बिकेगी। अब मैं आपको एक और लाल रंग के बारे में बताती हूँ जिसको बोलते हैं ब्राइट रेड यानी कि चटक लाल। अब देखा है वो जो रंग होता है जो बिल्कुल आंखों को एकदम से अटेंशन खींचता है, जैसे हमारे खून का रंग होता है, एकदम होता ना किसी का एकदम शाइनी चटक लाल, ऐसा रंग अगर आप इसमें कुछ भी पैकेज करके देते हैं तो ये उस चीज को बहुत एक्साइटिंग लुक दे देता है। अगर आप गोल्ड या सिल्वर ऐड कर देते हैं किसी भी चीज की पैकेजिंग में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अगर आप किसी भी चीज की पैकिंग में ग्रीन कलर ऐड कर देते हैं तो वो हेल्थ रिलेटेड और ऑर्गेनिक और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट को और ज्यादा डिफरेंट लग्जरी और लीग पर ले जाता है, यानी कि हरा रंग हेल्दी। अगर आप लग्जरी और प्रोफेशनल क्वालिटी के लिए किसी भी चीज में डार्क ग्रीन यूज करते हैं तो ये उसको प्रोफेशनल्स को अट्रैक्ट करता है। लाइट ग्रीन यूज करते हैं तो ये हेल्दी, स्किन फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ऑर्गेनिक, इस तरीके का बन जाता है। अगर ऑरेंज यूज करते हैं जैसे मैंने पहना हुआ है तो ये अफोर्डेबिलिटी और फन का प्रतीक बन जाता है। ऑरेंज पैकिंग होते ही ऐसे हो जाता है कि ये तो खरीदा जा सकता है, ये तो बहुत महंगा नहीं है। अब बात करते हैं डार्क ब्लू कलर की। किसी भी पैकेजिंग को डार्क ब्लू कलर में कर देंगे तो उसका रिस्क फैक्टर कम हो जाता है और लोगों का ट्रस्ट बढ़ने लगता है। मैं नाम नहीं लूंगी पर याद कीजिए, जो पहले चिप्स हमें अच्छे से याद है, चिप्स सोचते ही हमारे दिमाग में जिस ब्रांड का आता है उसका पहला चिप्स का पैकेट ब्लू कलर का था, क्योंकि ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर की पैकेजिंग ट्रस्ट बना लेती है। इसी तरीके से जब आप ब्लैक कलर किसी प्रोडक्ट में ऐड कर देते हैं तो वो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। तभी तो जितने इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं उसके पॉलीबैग्स और उस घड़ियों की पैकिंग जो है काले कलर में होती है, क्योंकि ये वैल्यू ऐड कर देता है। आगे की 4 राशियां बहुत समय से इंतजार कर रही हैं, बस 2 मिनट और, लेकिन पहले आपके मोबाइल को लकी बना देते हैं। अगर आप मोबाइल का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं और आप मीडिया और रिसर्च फील्ड में हैं तो क्या करेंगे? तो अपने फोन में मोबाइल नंबर 1379 का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। आप चारों का करें या एक का करें, क्या लॉजिक है इसके पीछे बताती हूँ। अगर मूवीज
या म्यूजिक या एंटरटेनमेंट में आप जाना चाहते हैं तो आपको मोबाइल में इन नंबर्स को यूज करना ही पड़ेगा। अच्छा रिजल्ट चाहिए तो क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यही तो आपकी पहचान है। लोग आपको कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं, आपसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं? मोबाइल के जरिए। अगर आप सरकारी विभाग नौकरी में जाना चाहते हैं तो 4, 6 और 9 को मोबाइल नंबर में इंक्लूड करें। ये लोगों से आपके संबंध अच्छे बनाने के लिए 2, 3, 6 मोबाइल नंबर में अगर यूज करते हैं तो बहुत फायदा होगा। 2 मतलब मन, 6 मतलब आपका कम्युनिकेशन, लोगों के प्रति आपका अट्रैक्शन। तो ये सारे नंबर्स अगर आप अपने प्रोफेशन के हिसाब से अपने मोबाइल में ऐड करते हैं या ऐसा ही नंबर चूज करते हैं तो आप इसके रिजल्ट देख पाएंगे। आपसे मैं जल्द ही सौंफ, जी हाँ खाने वाली सौंफ, उसके बारे में बात करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले जो 4 राशि वाले इतने समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं उनसे बात करूंगी। सिंह राशि वाले कल डॉग को खाना खिलाएं, खास करके मीठी ब्रेड और रस आप जरूर इस्तेमाल करें। आपका लकी समय कब होगा? लकी समय होगा आज शाम 5:52। कन्या राशि वाले लोग कल किसी बड़े को कुछ ना कुछ साथ में ले जाएं या कुछ ना कुछ बड़े फैसले में उनको इन्वॉल्व करें। आपका काम जल्दी बनेगा और आपका लकी समय रहेगा आज शाम 4:58। तुला राशि वाले लोग मीठा खाने के शौकीन हैं तो मीठा खाने से कल आपको बचना पड़ेगा और आपका लकी समय रहेगा शाम 5:55। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। कल किसी से झूठ नहीं बोलना और अगर कोई आपके सामने झूठ बोले तो कल के दिन पकड़िएगा मत उसको, नहीं तो दोनों ही हाल में आप फंसेंगे। दोपहर कल 2:19 आपके लिए शुभ समय रहेगा। अभी मैं आपसे बात करने जा रही हूँ सौंफ की, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगी कि हैंडराइटिंग से आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ सकता है। सौंफ, अगर खाने वाली सौंफ को घर के दरवाजे पर टांग देते हैं आप या उसको उसके दाने घर के दरवाजे पर फेंक देते हैं तो आपकी सुरक्षा होती है। सौंफ की छोटी सी पोटली अगर विंडो डोर पर लटका देते हैं, यानी कि खिड़की पर लटका देते हैं, तो ऐसे रहेगा कि आपको कहीं बुरी नजर नहीं लगेगी। और अगर आप जेब में एक छोटी सी पोटली में सौंफ रखकर इसको चलेंगे तो इससे बुरे लोग और बुरी दृष्टियों से आप बच सकेंगे। दर्द और अगर आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम रहती है उसको ठीक करना है तो 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सौंफ उबाल कर अगर आप पीते हैं तो आपको इन्फेक्शन से राहत मिलती है। अगर आपका बुध कमजोर है, आपकी इंटेलिजेंस मेमोरी कमजोर है, अपने तकिए के नीचे एक पैकेट में सौंफ रखने से आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है, बुध मजबूत होता है। अब करते हैं बात आपकी हैंडराइटिंग की। आज मैं बात करूंगी सी डी और ई अल्फाबेट की। जब आप सी लिखते हैं, सी आपका जितना ज्यादा खुला होगा, यानी कि दोनों एंड्स आपस में जितने एक दूसरे से ज्यादा दूर होंगे, आप अपनी बात को उतना ही खुलकर एक्सप्रेस करेंगे। क्यों? सी मतलब कम्युनिकेशन, बातचीत। आपका सी जितना खुला, कम्युनिकेशन उतनी खुली। अब हम बात करते हैं डी। आपका डी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। जिन लोगों का डी का डंडा छोटा होता है उन लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। डी मतलब डेयरिंग। आपके गोले, डी के गोले से डबल लंबा आपका डी का डंडा अगर होता है और आप रोज अगर सिर्फ इस डी की भी प्रैक्टिस करते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है एक ही महीने में। अब अगर आप कहती हैं कि मेरे हस्बैंड मुझसे खुलकर बात नहीं करते, मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ शेयर नहीं करते, मेरे से मेरे बच्चे बात नहीं करते, देखिए कहीं आपका ई का गोला बहुत चिपका हुआ तो नहीं है। आपका ई का गोला जितना चिपका हुआ होगा उतना लोग आपसे कम बात करेंगे। क्यों? ई मतलब ईयर्स। अगर कान बंद होंगे तो लोग आपसे बात कैसे करेंगे? ई के लूप को बड़ा करिए, लोग आपसे दिल की बात करने लगेंगे। आगे मैं आपको शकुन अपशकुन ढेर सारी जानकारी देने वाली हूँ, लेकिन पहले आज प्रोनोलॉजी में बात करेंगे उन लोगों की जिनका नाम शुरू होता है एस और टी से। उन लोगों की बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है एस से। जी हाँ, ऐसे लोग तो आपके घर में भी हैं। जिनका नाम एस से शुरू होता है वो बेहद रोमांटिक होते हैं पर इमोशंस पर कंट्रोल रखने की कला भी जानते हैं। केयरिंग होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और कभी कभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का भी शौक होता है इनको। ऐसे लोग जो होते हैं वो जेनरस होते हैं, बहुत अच्छी नेचर वाले होते हैं। और अगर आपका नाम का पहला अक्षर शुरू होता है टी से तो आप कैसे हैं बताती हूँ।
टी जिन लोगों का नाम शुरू होता है वो लोग सेंसिटिव और प्राइवेट पर्सनालिटी होते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, रोमांटिक भी होते हैं, आसानी से बदलते नहीं है। टी यानी कि टाइगर, जो सोच लिया वो करके दम लेंगे। ब्यूटी टिप अभी आगे है, लेकिन इससे पहले आपको बहुत सारी जानकारी देती हूँ। शुरुआत करते हैं एक सिंबल से। आज मैं आपको एक रेकी सिंबल के बारे में बता रही हूँ। इस सिंबल को एक सफेद कागज पर काले पेन से बनाएं। बनाने के बाद इसके सामने बैठकर रोज आप हो सके तो इसको देखते रहें। इससे आपकी मेंटल और आपकी इमोशनल एनर्जीज जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। आप अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स के बारे में आपको पता चलेगा कि कैसे और कैसे सॉल्व करनी है। ये सिंबल सिर्फ देखने भर से आपको स्ट्रेंथ देगा, ताकत देगा। आइए आपको एक और मेडिटेशन टेक्निक के बारे में बताती हूँ। इससे आप इंस्टेंट शांत हो जाएंगे। आप शांत होकर बैठ जाएं, अपनी सांस पर ध्यान दें। 10 से 20 सेकंड बाद जब आप सांस लें तो मन ही मन कहें सो। जब सांस लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए, जैसे गुब्बारा फूलता है जब हवा भरती है, और जब गुब्बारा फुस हो जाता है जब हवा बाहर निकलती है। यही सिस्टम आपके पेट का होना चाहिए। हमारी सांसें उल्टी चलती हैं, इसीलिए जिंदगी भी उल्टी हो जाती है। सांस ले, पेट फूले, सांस छोड़ा, पेट पिचका। तो सांस लेनी है, मन ही मन कहना है सो। सांस छोड़नी है, बोलना है हम। सो हम, सो हम। ऐसा 10 मिनट करेंगे, आपकी सारी स्ट्रेस, सारी प्रॉब्लम्स, हर दिक्कत दूर हो जाएगी। शादी की बाधाएं हैं, अगर आपकी लाइफ में शादी नहीं हो रही है, आपकी, आपके जानकार की, दोस्त की, ये उपाय करें। मंत्र बता रही हूँ, ये मंत्र पहले सुनिए, लिखिए, फिर बताऊंगी करना क्या है। ओम श्री वर प्रदाय श्री नमः। 5 नारियल शिव जी के सामने रखकर इस मंत्र की 5 माला करें, नारियल मंदिर में ही चढ़ा दें। ऐसा आपको 7 सोमवार लगातार करना है, शादी की बाधाएं, नजर, दिक्कत दूर हो जाएगी। अब बात करते हैं शकुन अपशकुन की। अगर कोई व्यक्ति आपसे जाते समय 2 बार हाथ मिला ले तो ये बुरा शगुन माना जाता है। इसका मतलब वो काम अड़क जाएगा, अटक जाएगा। आप उसको बोलें कि एक बार और हाथ मिला ले, या आप किसी न किसी बहाने से मिला ले, तो ये अपशकुन शकुन में बदल जाएगा। आखिरी की 4 राशियां मैं आपको अभी ही बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले ब्यूटी टिप की बात करेंगे। आज मैं आपको एक खास मास्क बताऊंगी, स्ट्रॉबेरी मास्क। आप बाजार से स्ट्रॉबेरी खरीद लें और स्ट्रॉबेरी को धोकर अपने फ्रिज में बर्फ में काफी समय के लिए फ्रीज करके रख दें। उसके बाद क्या करें कि आप 2 स्ट्रॉबेरी को मैश कर लें, उसमें पानी या गुलाब जल मिला दें। मैं सजेस्ट करूंगी गुलाब जल मिला लें स्ट्रॉबेरी के गूदे के साथ। उसको अपने घर में आइस क्यूब में, जिसमें बर्फ जमाते हैं ना, उसमें 2 पीस उस गूदे को गुलाब जल के साथ मिक्स किए हुए डाल दें। जब भी आप कहीं बाहर, उसमें पानी या गुलाब जल मिला दें। मैं सजेस्ट करूंगी गुलाब जल मिला लें स्ट्रॉबेरी के गूदे के साथ। उसको अपने घर में आइस क्यूब में, जिसमें बर्फ जमाते हैं ना, उसमें 2 पीस उस गूदे को गुलाब जल के साथ मिक्स किए हुए डाल दें। जब भी आप कहीं बाहर से आए, या आपको चेहरे पे थकान महसूस हो, या आपको किसी पार्टी पे जाना है, बस ट्रे से वो बर्फ निकाली, चेहरे पे मला और मुंह धो लिया। 5 मिनट रखने के बाद आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा। बीमारी दूर भगाने वाला महा उपाय आपके लिए लेकर आई हूँ, लेकिन पहले लास्ट की 4 राशियों की बात करते हैं। धनु राशि वाले लोग कल किसी की बात पर विश्वास नहीं करें, नहीं तो रिश्ते बिगड़ेंगे। लकी समय रहेगा कल सुबह 7:14। मकर राशि वाले कल सोना पहने तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और अगर हो सके तो अपने जेब में थोड़े से काले तिल रख कर जाएं। आपका लकी समय क्या रहेगा? आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 12:33। कुंभ राशि वाले कल हरे रंग से परहेज करें, और अगर हो सके तो कल ब्राउन कलर जरूर पहनें। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 12:20। मीन राशि वाले कल किसी से काम, मतलब अगर आप किसी से जबरदस्ती काम कराते हैं, गुस्सा करके काम कराते हैं, तो आपका दिन बहुत अच्छा नहीं जाएगा। खुद कोई बड़ा फैसला कल के दिन नहीं लेना है। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 12:15। कहीं मत जाइएगा, आखिरी महा उपाय आपके घर में हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला बताने वाली हूँ, लेकिन पहले वो तरीका जानते हैं जिससे आप और हम बातचीत करते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए जरा फटाफट, वो है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी परेशानी, सुझाव, दिक्कतें, खुशी, जो भी आप शेयर करना चाहते हैं, इस आईडी पर हमसे शेयर करें और हम आपकी बातों का सलूशन जरूर देंगे। आज हम चंडीगढ़ से नेहा मारवा का सवाल लेते हैं।
इनकी शादी को 2 साल हो गए, दिल्ली से बेस चंडीगढ़ शिफ्ट किया, हस्बैंड मर्चेंट नेवी में है, अपने फादर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ के साथ रहती हैं और खुश नहीं है, चाहती हैं शिफ्ट हो जाएं वापस दिल्ली, तो क्या ये सही फैसला होगा, बात करते हैं। नेहा, आपके फादर इन लॉ हमेशा आपके साथ रहेंगे और उन्हें रहना चाहिए भी, आपके सिस्टर इन लॉ की मैरिज के बाद आपकी सिचुएशंस काफी हद तक बेहतर हो जाएंगी और उनकी शादी के बाद ही आपका बेस जो है वो शिफ्ट होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि रोज आप सूर्य को जल दिया करें और किसी न किसी बहाने अपने सिस्टर इन लॉ के खाने में तुलसी के 2 या 3 पत्ते मिला दिया करें। वैसे तो घर के सभी लोग खाएं तो अच्छा है, आपसे उनके रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। अब जानते हैं आज का तीसरा महा उपाय। बीमार होने पर दर्द से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको जौ के आटे में काले तिल मिक्स करके सरसों के तेल की रोटी बनानी है, फिर जो इंसान बीमार है उसके सिर के ऊपर से क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है आपको, फिर ये किसी भैंस यानी कि बफलो को खिला देना है तो जिसकी वो पीड़ा है मतलब जो बीमार है उनको आराम मिलेगा। ध्यान रहे डॉक्टर की दवाई और डॉक्टर की सलाह कंटिन्यू रखनी है। वक्त हो गया है मेरे जाने का, जाते जाते कल की बात करें। कल मैं आपके लिए लाऊंगी खुशियों की रेसिपी, आपके दांत दर्द को करेंगे दूर, लाल मूली का आपको कमाल दिखाऊंगी और आंखों के कलर के भी सीक्रेट बताऊंगी। ये सारी इंटरेस्टिंग जानकारी कल दूंगी, साथ में महा उपाय और राशियों की टीजिंग आपको बताऊंगी कि कैसे हम आपकी राशियों को मजबूत कर सकते हैं। ये सारी बातें हम कल करेंगे, कल इसी वक्त आपका फिर से मुझे इंतजार रहेगा। लेट मत होइएगा, मुझे वेट मत कराइएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।